नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों से भारी पैमाने पर बारिश हो रही है, जिससे मुंबई ही नहीं संपूर्ण महाराष्ट्र ही जूझ रहा है। एक दिन पहले नागपुर विधान भवन में हो रहे अधिवेशन को बारिश के चलते पानी भरने से रोक दिया गया था। तो वहीं चंद्रपुर जिले के चिमूर तहसील में एक बस नदी के प्रवाह में फंस गई थी। उसी दिन वरोरा तहसील में खंबाड़ा गांव में टावर का काम कर रहे 11 मजदूर फंसे हुए थे, जिनको बेल्ट की सहायता से बचाने का काम सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने किया, जिसमें से एक मजदूर की मौत इस वर्धा नदी में बह जाने से हुई। उनके बचाव कार्य को सम्मान किए जाने की जरूरत है, उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रकार की सोच महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष महेश पानसे ने कही है। सुरक्षा दल अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं, फिर भी इनकी प्रशंसा जिला प्रशासन करते नजर नहीं आती है। कुछ लोग जो ऐसे है, यानी कि रेस्क्यू में काम करके अदर डिपार्टमेंट जो आपत्ति समय रह के नहीं किया, अभी के फिलहाल में खामाड़ा में 10 लोग, यानी कि टावर का काम करने वाले छत्तीसगढ़ के लोग थे, उनको जैसे हमको माननीय सियारा साहब के कॉल आया कि इनको रेस्क्यू करना है, 10 लोग पानी में अड़े हुए हैं, बचाना है उनको, निकालना है, हम तुरंत गए उनको अपने ये बोट से, अभी चला रहे ये बोट से हमने रेस्क्यू करके उनको चंद्र पुलिस के माध्यम से, आपत्ति व्यवस्था के माध्यम से उनको रेस्क्यू किया और सुखरूप लाया। उनको माननीय तहसीलदार साहब थे, माननीय SDPO साहब थे, यानी वरोरा डिवीजन के, उनके उनको भी मालूम है ये बात। पर मनोबल बनाने की जब बात आती है तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को इनका कौतुक करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने ये पुलिस कर्मचारियों को एक प्रोत्साहन पर कुछ देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे होता नहीं अक्सर, और इसलिए कैसा है कि उनका भी कहीं मनोबल कम हो जाता है, मानसिकता कम हो जाती है। वो तो दूसरे का नाम होने का सवाल ही नहीं उठता, काम उन्होंने किए है। जब उतने बड़े बारिश में बाढ़ में वो काम कर रहे हैं तो सब तो जग जाए रहे कि काम उन्होंने ही किया, और इमिडिएट 10 लोगों को बचाया भी है उन्होंने। और बाद में जब एक जो शव मिला बाद में, एक दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, उसके लिए भी बहुत मेहनत, 2 दिन उनको मेहनत करनी पड़ी, कई 6-6 घंटे 8-8 घंटे उनको बारिश में काम करना पड़ता है, पानी में रहना पड़ता है, और साथ में तो ऐसी बोट उनके पास में जहाँ छेद है या कुछ लगा लगा के बेचारे काम कर रहे, तो दूसरों को उन्हें नाम लेने का सवाल नहीं, गलत बात है।